सामान और बक्से। कौन से यार? ओ, अरे इसकी, अरे अरे वो रात वाले जो नहीं आए थे वो लेके गए होंगे। चले उठो। अबे रक्षक तो कुत्ता भैया था, चूहा बन के कैसे आ गया? ऊपर देख भैया ऊपर। अरे क्या ऊपर? ऊपर मैम साहब, मैम साहब ये पाव हटाओ यहाँ से। कायको? हम कचरा साफ नहीं करता। कायको? अरे आयकू इसलिए कि हम बुट पॉलिश वाला है, कचरा साफ करने वाला यानी म्युनिसिपैलिटी वाला नहीं है। हम तुमको पैसा देंगे मैम। अरे तुम गाली भी देंगे तो हम साफ नहीं करेंगे। जाओ बिरजू भैया कर देना। नहीं 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 कर देना बिरजू भैया। राजू याद है मास्टर बरकत ने क्या कहा था? क्या? यही कि बेटा जब तक कामयाब न हो जाओ तब तक औरत की दुनिया में कदम नहीं रखना। लेकिन कदम तो औरत रख रही है और कदम भी का स्कैंडल। इधर लाओ मैम साहब, हम पॉलिश करेगा। हम पॉलिश करने देगा राजू, झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़ा हो जाएगा तो हो जाने दो, ये कोई दुनिया का पहला झगड़ा थोड़ी है। हम पॉलिश करेगा, जरूर करेगा। हम तू पॉलिश करने नहीं देगा। ऐसा पॉलिश नहीं करेगा। हम पॉलिश करेगा, हम पॉलिश करेगा। तू शट अप मैम साहब, हम पॉलिश करेगा, हम पॉलिश करेगा। ओ देख वो रेल फंगे कहीं के भैया, वही मवाली लोग डब्बे के मालिक। भागो भागो। अरे हमारे सैंडल, अरे हमारे सैंडल, अरे मेरे सैंडल। नथंगे चोर भाग गए। सामान देख दे बराबर। बूट पॉलिश का धंधा भी फ्लॉप। राजू बर्तन से घी कब निकलता है? जब उंगली टेढ़ी करो तब। शाबाश शाबाश। और माँ बच्चे को दूध कब पिलाती है? जब वो रोता है, ट्याव ट्याव करता है। वाह वाह शाबाश शाबाश। तो सुनो राजू, जब तक धक्का देकर आगे निकलने की पावर ना हो तब तक भाई लोग रास्ता नहीं देते। क्या मतलब भैया? मतलब ये कि हम सीधी चाल छोड़कर तेरी चाल चलेंगे तो जमाना हमारे साथ चलेगा। ठीक है भैया। तो बस आज से ट्यों ट्यों करो, उंगली टेढ़ी करो। चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, माल मिलेगा, मक्खन मिलेगा, बंगला मिलेगा, महल मिलेगा। तो चलो चोर बाजार, चलो। अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करते हैं। बच्चा कहो बेटा, चाय रानी का सवाल है, चाय पियेंगे? बाबा लेकिन चाय तो एक आने में मिलती है, हम मलाई मार कर पीते हैं बच्चा। ये बात है राजू भैया, देखा फकीर का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हो गया है, इसे भी भगवान देता है। ले बाबा चारा ने मलाई मार कर चाय पियो। जियो बच्चा। भैया ये फकीर था कि फकीरा था? मलाई खा कर कितना मोटा हो गया। अरे हम भी अभी मोटे होंगे। चलो आगे। ये भैया मैं कैसे लगता हूँ? बिल्कुल राज कपूर। बहुत ही अच्छे लगते हैं बाबू जी, बिल्कुल उच्ची जात का वाल है भारा। एक फिल्म कंपनी वाला बेचारा करकी लाद कर भारे को बेच गया। ठीक है ठीक है। बताओ कितने लोग हैं? एक की दाम है 22 रुपए। पड़ेंगे पड़ेंगे, रुपए ना हुए जूते हुए। देख भाई 10 रुपया चलेगा? नहीं चलेगा। ये देख, ये जो देखता है ना, ये 6.25 रुपए का है। जी इसका इसका क्या मुकाबला, बहुत ही ऊंची जात का माल है ये तो। इसकी तो सिर्फ सिलाई के 25 रुपए लग गए होंगे बाबूजी। और अगर फट जाएगा तो मरम्मत के लिए भी तो 20-25 रुपए लग जाएंगे। ऊंची जात का माल है, ये जबान कैसी है यहाँ की भैया? आदमी देखो मुँह खोलो। लेकिन बाबूजी आखिरी बार मुँह खोलता हूँ, 13 रुपए पड़ेंगे। ए भगवान कसम इसमें सिर्फ 12 नहीं बचेंगे। 12 नहीं सच्चा राजू, दे नहीं नहीं दे दे, भगवान कसम खाता हूँ। देखा बाबू जी कितने समझदार है। लाओ दे दे बाबू जी। 10, 11, 12, 13 मेरा नहीं मेरा थारा। हाँ ग्राहक मैं लेके आया था। हाँ ये तो भाई मारा भी गुरु निकला, लेकिन फिर भी 4 तो बच गए। वाह भाई आज बोली तो हो ही गई वारी। ईट का जवाब पत्थर, नई जिंदगी चालू, पुरानी जिंदगी खराब। ये जन्नो को चिट्ठी लिख देंगे मगर देखोगे क्या जो तुम बोलो वो? नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा ख्याल है जरा हालत ठीक होने दो। 7-7 टेलीग्राम दे देते। हाँ ठीक है भाई। हाँ चलो। सीधी चाल नहीं टेढ़ी चाल। ये बात ये बात ये बात ये
जिद न करो बेटी, दो एक दिन में राजू की चिट्ठी जरूर आ जाएगी। नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैं बम्बई जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। लेकिन तू जाकर वहाँ करेगी भी क्या? क्यों, मैं अपने राजू के लिए खाना पकाऊंगी, उसका ध्यान रखूंगी। तो तूने बम्बई को क्या राम भरोसे होटल समझा है? बता भला राजू कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिलेगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। अरे जमुना, मैं 2.5 साल बम्बई में गुजार चुका हूँ और अभी तक मुझे भिंडी बाजार नहीं मिला है। मुरली सच कहता है बेटी, हजारों लाखों की बस्ती में राजू का क्या पता चलेगा? पता चले या ना चले, मैं उसे तलाश करते करते अपनी जान दे दूंगी। अरे बेटी। अच्छा जमुना सुन, तू यहीं रह, मैं अकेला जाता हूँ। नहीं, चलना हो तो चलो। मैं कसम खा कर आया था कि वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बम्बई शहर आदमी को दोबारा बुला कर ही रहता है। चल। ये क्या है? गरीब कुमार। गरीब कुमार नहीं, दिलेशवत्तम मोदी। भैया अभी वो गोरखा है। वो गोरखा है? तो तुम सलाम करो। माफ करना जरा। यस, योर नेम प्लीज? मिस्टर राजपाल। एंड योर्स? प्रिंस ब्रीजपाल। आपका सामान? देखिए वो हवाई जहाज वाला आदमी हमारा सामान लेके आ रहा। हाँ, ज्यादा भी है, 30 बॉक्स बड़ा साइज का। और 10 बॉक्स छोटा साइज का। 40 बॉक्स? हाँ, इतना सामान किधर रखेगा? आप कर करने का जरूरत नहीं, 2 बक्स हम हमारे कमरे में रखेंगे, बाकी सब गोड़ा में रखेंगे। करेक्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मिस चंचल स्पीकिंग। देखिए हमारा ड्रेस बहुत टाइट है। नहीं नहीं, हम मोटा नहीं हुआ। देखिए आप जल्दी टेलर को भेज दीजिए, आज रात को मेरा डांस है। प्लीज जल्दी। थैंक यू। आपकी तारीफ? मिस चंचल। ओह चंचल। साइन प्लीज। अच्छा अच्छा, साइन प्लीज। जल्दी खोल। अरे भैया खुलेगा तब खुलूंगा ना। दो लगाओ। हिलता है खुलता नहीं। भैया वो जो अपने गांव में है ना, वो क्या गनी का ना, वो चोर। हाँ, वो ताले बहुत अच्छा खोलता। चलो उसको टेलीग्राम करते। चलो। नहीं, क्या कहा? खुलता नहीं। नहीं खुलता। मैं इसके बाप को खोलूंगा। खोल सकते? हाँ। तो खोलो। कौन चोर? हम तो आपके पड़ोसी हैं। मिस्टर राजपाल। मिस्टर ब्रिजपाल। आप दरवाजे क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये खुलना नहीं चाहता। आप खुलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अंदर जाना है। जी, मेरे कमरे में? आपका कमरा रूम नंबर 10? जी नहीं, रूम नंबर 10 ये है। ओह सॉरी। ऑलराइट भैया। रॉन्ग नंबर प्लीज, 10 नंबर। चलो। क्या मेरा हुआ? दिल शायद आपको गर्मी लग गई। कोट निकालो भैया। अरे मेरा दिल भैया। हाँ देखो। क्या देखो भैया? क्या देखूं? उम्मीद की रोशनी। उम्मीद की रोशनी? उम्मीद की रोशनी। उम्मीद की रोशनी भैया। हाँ, मुझे वहां तक पहुंचा दे। लेकिन ये 4 मन की लाश को मैं वहां तक कैसे पहुंचाऊंगा? तो कुर्सी बन गया। कुर्सी टूट गई तो? अच्छा, अब तो हाथी बन जा। नहीं भैया, तो कुछ बनना बन जा, हमें तो संभाल से मतलब है। अच्छा, संभाल के भैया। पहुंच गए? मैं पहुंच रहा हूँ। कमर गई भैया। मैं उठा दो भैया।
मेरी कमर ठीक हो जाएगी। कमर कहाँ है? कमरा है भैया। मैंने तो पहले ही कहा था कि संभल के चढ़ना था, जानवर का क्या भरोसा हो सकता है। मैं कह रहा था कि कुर्सी बन, मैं जानता था हाथी बड़ी मस्ती करते हैं। ठीक रहेगा मुझे तो। नहीं 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 भैया, तुम जरा ले जाओ आराम से। दोनों नहीं छोड़ूंगा। भैया कबा, कोई आया? कम इन प्लीज। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए ना बैठिए। जी कुछ नहीं, इन्हें कभी कभी दिल का दौरा पड़ता है। तो मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाऊं? जी नहीं, डॉक्टर नहीं। तो फिर हाथ? हाथ हथौड़ा नहीं, हाथ। हाँ तो ये हाथ है। देखा इन्हें कितनी जल्दी आराम आ गया। इन्होंने तो मेरा हाथ जकड़ लिया, ये क्या हो गया? ये सो गए। और मेरा हाथ? ये सुबह से पहले नहीं छूट सकता। कोई देख लेगा, छोड़ो ना मेरा। अरे छोड़ो ना। तूने हाथ क्यों छुड़वाया? अबे ओए, बहुत दिनों बाद चूड़ियों वाला हाथ पकड़ा था। जमुना याद आ, जमुना। टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। पुलिस? पुलिस नहीं जनाब, टिकट। ओ टिकट बाबू। जमुना, ए जमुना, जमुना टिकट दे। एलो बाबूजी, ये तो थर्ड क्लास की टिकट है। तो गाड़ी कौन सी फर्स्ट क्लास की है? 30 रुपए 60 नए पैसे निकालो। बाबूजी गांव वाला ना समझना, 6 साल सर्कस में काम किया है। हाँ अच्छा, तुम्हारे सर्कस में थर्ड क्लास का टिकट लेकर अगर कोई फर्स्ट क्लास में आ बैठता था तो तुम क्या करते थे? छोड़ देते थे। अरे जाने दे, बेचारे भूल से बैठ गए। इतनी ही हमदर्दी है तो पैसे आप दे दीजिए ना। कितने पैसे? 32 रुपए 60 नए पैसे। नहीं मैनेजर साहब, चाबी नहीं है। राजू मेरा मतलब राजपाल आए थे। मुझे नहीं मालूम। अच्छा मैंने कहा साहब रूम का बिल प्लीज। ओ टुमारो प्लीज। 700, 800, 900, 1100, 1200, 1200, 2000 में 800 रुपया कहूँ? भैया भैया कब आए, क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से आए? भैया ये बता, ये माल कहाँ से आया? माल भैया मैं आपके लिए लंगोट लाऊँ? भैया भैया चुप, इतने रुपए कहाँ से आए? भैया भगवान ने दिया। एकदम इतने रुपए? इतने तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना भैया, लेकिन ऊपर वाले के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा स्टैंड जरा बढ़ गया है, थोड़ा ज्यादा मदद करो। हाँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पैसे छोड़। मैं कहता हूँ छोड़। मैं सच बता, किसी पाकिट मारी होता क्या भैया? अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें से आधी रकम ले लो। हाँ। लेकिन एक शरीफ आदमी को पाकिट मार मत कहो भैया, मत कहो, मेरा दिल दुखता है। दिल दुखता है मेरा। अब भैया अब सो जाओ, फैसला करेंगे। लेकिन मेरे पैसे। पैसे का बच्चा, पुलिस को फोन कर दूंगा। पुलिस? हाँ। भैया मेरे को सुबह दे देना है। हाँ भैया पैसे दे देना सुबह। सो जाओ, ये लंगोट है भैया। चलेगा, कोशिश भैया पैसों का बराबर ख्याल रखना, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। हाँ।
बेटी कहो बेटी, मेरे जाने के बाद दिल तो नहीं उदास हुआ? उदास नहीं हुआ, दो दिन तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। जब ये फूल तच्चे रहा रह गया, क्यों नहीं खाया? मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। जानती है मेरे साथ क्या हुआ? एक हफ्ता एक साल जैसा गुजरा। पिताजी ये लो, कौन है? ओ, आओ 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 बेटा आओ। बेचारे किसी अपने रिश्तेदार को जा ढूंढने आए हैं, ये मेरी बेटी मीना। नमस्ते। नमस्ते। बेचारे सीधे लोग हैं, मैंने सोचा इतने बड़े शहर में कहाँ धक्के खाएंगे, इसलिए यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया पिताजी। बनारसी जी, देखो इन्हें माली के बाजू वाला कमरा दे दो। जा बेटा जा, चलो बेटी। मैं कहता हूँ आपने मुझे रुपया नहीं दिया, ये झूठ है, इल्जाम है। मैं यहाँ 11 साल से मैनेजरी करता हूँ, समझे? मेरे सीधा सीधा पैसे नहीं तो हम जरूर पुलिस में जाने वाला है। आप क्या समझते हैं जी, है? पुलिस की धमकी से मैं डर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। भैया यहाँ तो कुछ झगड़ा हो रहा, चलो वापस चलो। क्या हुआ, हुआ करे झगड़ा? देखो सर क्या बात है, देख तुम्हें क्या है, क्या बात है भाई, आखिर क्या है? देखो नहीं बाबा, मेरा 1200 रुपया लिया है, अभी ना बोलता है। ये झूठ है, बकवास है साहब। तुम चुप रहो ना, बीच में काहे बोलते हो? एक तो इनका रुपया लिया, ऊपर से डांटी देता है। जा बाबा जी, सीधा पुलिस में जाओ। जरूर जाओ। नहीं नहीं बाबा जी, ठहरो 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 ठहरो। भाइयों इस वक्त सारी दुनिया में लफड़े शुरू है, बाकी बचा इंडिया, उसमें आपने शुरू कर दिया। आखिर आप रुपये कितने हैं? 1200 रुपये है। कोई बात नहीं राजू। ये लो 1200 रुपये। लेकिन आप अपनी तरफ से क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? एक तो होटल की बदनामी ना हो, और हम लोग रईस हैं। जी हाँ, आप लोग जाइए जाइए। इधर गया भाई। चलो राजू चलो। जेब में टमाटर खरीदने को पैसे नहीं, रईस बनते, ईमानदार बनते, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं राजू, मुझे मास्टर बरकत अली की बात याद आ गई कि बेटा ईमानदारी में बड़ी बरकत होती है। बरकत होती है? अरे बरकत तो उसको हुई थी जो हमारा बटवा मार के 111 रुपए लेकर चला गया था। साला मजे से इंग्लिश पिक्चरें देख रहा होगा, एलिजाबेथ टेलर की। सच्ची बात कहूँ राजू? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका। अरे मैं पुलिस के नाम से डर गया था, अगर तू ये जेल होती तो अच्छा ही हो जाता ना, रोज रोज के झंझट से तो जान छूट जाती। लेकिन तेरे साथ जो मैं फंसता हूँ वो उसी दिन सोचना था जब मुझसे ये कहा था, राजू भैया बर्तन से घी कब निकलता है, जब उंगली टेढ़ी करो तब। भैया मैं उंगली टेढ़ी करने की बात कही थी, तूने तो बर्तन ही टेढ़ा कर दिया एकदम से। 1200 रुपये हो नहीं, आओ। आपको सेठ जी ने बुलाया है, जा। आपको? मुझे? जी हाँ आपको। अच्छा आता हूँ। अच्छा जाओ, सेठ जी ने बुलाया है, तुमसे किराया मांगेगा, अगर नहीं मिलेगा ना तो कपड़े उतार के डबल सोल के जूते मार के होटल से बाहर निकाल देगा। रईस बनते हैं, मजाक मत करो। आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, ये तो बहुत बुरी बात हुई सेठ जी। अब और ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए मिस चंचल, मैं आज ही मिस्टर बिल्सपाल के रुपए और मैनेजर को नोटिस देता हूँ। कमिंग। ओ मिस्टर बिल्सपाल, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहे सर जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपको इसलिए बुलाया है। मैं समझ गया, वही मैनेजर वाली बात होगी। लेकिन सर जी दो चार दिन और ठहर जाए तो अच्छा है। दो चार दिन? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग प्रिंस हैं, काम धंधा कोई करते ही नहीं। अगर पिताजी रुपये न भेजे तो हम लोग हीरो के अंगूठे, मतलब है कि जेवरात बेच के आपकी पाए पाए अदा कर देंगे। होटल का बिल? हाँ। किसने मांगा आपसे? मैनेजर साहब ने। आप उस गधे की बात का बुरा ना मानिए, इस होटल को अपना ही समझिए। ये लीजिए 1200। 1200 रुपये, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए कि आपने इस होटल की इज्जत बचाई है, मुझ पे बहुत एहसान किया है आपने। एहसान कैसा, ये तो मामूली रकम है, यूं समझिए कि एक टाइम का नाश्ता। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक ठीक ठीक,
मैं उस मैनेजर के बच्चे को अभी निकालता हूँ अपनी लात मारकर। नहीं नहीं ऐसा न कीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, माफ कर दीजिए। हाँ नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं आज ही मैनेजर बदलता हूँ। सेठ जी नहीं नहीं मैं ये जरूरत नहीं कर सकता, आप खुद ही कहिए। क्या बात है ब्रिजपाल जी? जी गुस्ताखी माफ। हाँ अगर आप यहाँ के मैनेजर हो जाए तो। मैनेजर मैं? देखिए मिस्टर चंचल, मैं ना कहता था ये छोटा मुंह बड़ी बात है। नो नो ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, मैं बड़े से बड़े गुंडे लड़ सकता हूँ। और मैं तो मर ही गया हूँ, कहा भी था कि गांव में रहे, मैं अकेला जाता हूँ बम्बई। इतना बड़ा शहर मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अरे अभी तूने देखा ही क्या है, आगे आगे देखना होता है क्या। अरे रास्ता भूल गए हो क्या? कहाँ जाना है? अगर यही मालूम होता कि कहाँ जाना है तो रास्ता क्यों भूलते? किसको ढूंढ रहे हो? हम राजू को ढूंढ रहे हैं। राजू को तुम जानते हो उसे? अरे हाँ हाँ राजू को कौन नहीं जानता, वही राजू ना जो फिल्मों में काम किया करता है। तुम भी काम करोगे क्या? ए भाई ये क्या है? ये चप्पल। अब ये पांव में चलने लायक तो नहीं रही, मगर तेरी खोपड़ी पर अच्छी तरह चल सकती है, समझा? ए भाई काहे खाली पीली रात दिखाता है, अभी सीधी तरीके से निकल जा चटनी के, वरना एक छापड़ से पापड़ बना दूंगा। क्या बात है भाई, तू बेचारे परदेशों को हैरान कर रहे हैं। अबे तू कौन है? बोल बोला तो क्या होगा? तेरी आईडी के ये दोनों भाई इधर आओ। ऐसी लिमिटेड कंपनियां मैंने बहुत बनाई, अब तुम यहाँ से सीधे तरीके से फूट जाओ, न तो मैंने सर्कस में जानवर सीधे कर दिए। अरे भाई तेरे लिए तो लड़ रहा है। मैं क्या पे लड़ाई वाले भैया, शायद इन्हें राजू का पता मालूम हो। तू चुप रह गुंडे मवाली, दूसरों की माँ बहनों को देख देख कर शाखे पलीत हो गए। नंबर चल लीजिए मेम साहब। क्यों राजू, मास्टर बरकत अली की बात सच निकली ना? देखा ईमानदारी का नतीजा? हाँ हाँ देख लिया, और तुमने भी तो देख लिया ना, उसका क्या कसूर था? छोड़ ना यार, ये सब भगवान के हाथ में है, वो चाहे जिसको अप करेगा, डाउन करेगा, राइट करेगा, लेफ्ट करेगा। क्या हो रहा है? क्या खा रहे हो? बादाम खा रहा हूँ। बादाम? नहीं भैया मैं तो काजू खा रहा हूँ। किस खुशी में? भैया मैंने सोचा अगर अपनी असलियत कभी खुल गई हाँ? तो न जाने अपना क्या हशर होगा, इसीलिए जरा खा पी के तगड़ा हो रहा हूँ। राजू ये तेरे विचार अब तक घटिया के घटिया रह गए। हाँ तो रहे ना। हाँ दो मुझे भी दे दे। जी दो देना। दो ही दूंगा। अरे वो आ गया। कौन? वो मैनेजर। मैनेजर आइए 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 आइए। क्या बात है? ओ मिस्टर राजू, मिस्टर राजू ने राजपाल? यस सर। इनको तेरे का तनख्वाह दे दो। ओके सर। ये लीजिए आपकी नौकरी चली गई, इसका हमें बहुत अफसोस है। नौकरी को छोड़िए, लेकिन मुझे एक ही बात का अफसोस है। वो क्या? यही कि 11 साल में 1100 लफड़े किए हाँ, लेकिन पकड़ा नहीं गया हाँ। आज जब बेकसूर हूँ बात मेरे सर आ गई। सुन लिया? सुन लिया तुम्हें? भगवान बेवजह किसी पर जुल्म नहीं करता, वो किसी न किसी बहाने पकड़ा लेता है। हमें पता नहीं वही 1200 रुपए वाली और कौन सी। कौन सा 1200? बात ये है कि आपस की बात है हम लोगों की। अच्छा। आपको पगार मिला? जी हाँ। आधा बजे राजू जी आपको चाय सोडा लेमन कॉफी अगर किसी की जरूरत हो तो भिजवा दो। ओ, इतनी सी बात के लिए आपने खुद तकलीफ की? आपके लिए इतनी सी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने मुझे नौकरी। समझी, आप मुझे शर्मिंदा करने आए हैं। मैं? हाँ, क्योंकि आप इतने बड़े छोटी सी नौकरी के बहाने आपको रोक लिया। रईस? हाँ 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 हाँ, अगर आप नौकरी नहीं देती तो भी हम यहाँ ठहर जाते और तुम्हें आपको अपने साथ ले जाते। कहाँ? अपने राजमहल में। क्यों राजमहल में? क्यों ले जाते हैं?
रानी बनाने के लिए। तुम बड़े झूठे हो। बिल्कुल बंडल। बंडल झूठे? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। कौन सी बातें सुन ली थी? वही टमाटर वाली, जब राजू 1200 रुपए मार के लाया था। वाकई में झूठा हूँ, बिल्कुल बंडल हूँ। इसीलिए तो मुझे अच्छे लगते हो। कब से? जब से तुम्हें देखा है। मास्टर बरकत ने सच कहा था कि बेटा, इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है, उसके बाद आशिक का क्या होता है। माफ कीजिएगा बुखारी साहब, अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी इस होटल में, आइए आइए, मैं सामान दे दो। आगे बैठे। आप जब कभी बंबई आए तो इसी होटल में ठहरिएगा। टाटा, जाओ जाओ जाओ। टाटा। प्रदाल अब मुरली राजू राजू अपने राजू के पास। जी हाँ जी, वो अभी अंदर गया है। वो इस होटल के मैनेजर हैं, मिस्टर राजपाल जी। उसने नाम गलत दिया है। चुप। नहीं मैं सच कहता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम लोग यहाँ बैठते, जब वो आएगा तो मिल लेंगे। अरे निकल बाहर, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ अभी। नहीं पुलिस पुलिस की बात नहीं, हमारे क्या उससे। अरे पुलिस। चल चल, बम्बई की पुलिस बहुत कड़क है। फिर आगे बड़ा है यहाँ बैठने वाला। माफ करना बाबा। क्यों जमना, राजू मिला तुम्हें? हाँ मिला था। अरे रोते क्यों है?